शेयर बाजार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट दीपक शर्मा। जैसा कि उम्मीद थी, आशाएं थी, आशंका नहीं, आशाएं थी, और वो आशाएं सच साबित हुई हैं आज, क्योंकि आज पहली बार इतिहास रचा है भारतीय बाजार ने। और एक जश्न का दौर, क्योंकि सेंसेक्स जो है कुछ दिन पहले उसने 50,000 के फिगर को किस किया था, चूमा था, लेकिन आज वो चूम के वहीं रुक गया है। सेंसेक्स आज 50,000 पार कर गया है, और अगर सही तौर पे बोलूं तो 50,255 ये रिकॉर्ड है, और पूरी दुनिया हतप्रभ है। पहली प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद शेयरों पे आएंगे। दुनिया हतप्रभ है, दांतों तले उंगली दबा दी पूरी दुनिया ने, आज देख लिया है कि 50,000 ऊपर हो गया है। मतलब क्या है इसका? नहीं, 50,000 तो हमने टच कर ही लिया था। नहीं, आज तो खड़ा हो गया ना, मतलब ठहर गया वो। सर वो देखिए, वो तो दुनिया में पंडित जी मैसेज क्या गया है आज, ये बताइए। नहीं देखिए, मैसेज का ऐसा है कि बजट जो है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है जी। 50,000 से ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट बजट के दिन से अब तक 4,000 पॉइंट अप जी। तो अगर मार्केट 4,000 पॉइंट बढ़ेगा बजट की वजह से, तो 50,000 का तो बीच में आंकड़ा आना ही है। तो मुझे इम्पोर्टेंट ज़्यादा लग रहा है बजट, तो उसकी वजह से। लेकिन लोग कहते थे कि साहब चिदंबरम साहब जो हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चलाते हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चलता है, और चिदंबरम साहब जो है वो एक ऐसे वित्त मंत्री थे कि जहाँ कहीं ना कहीं चाबी जो थी या इंस्पायर करते थे वो। लेकिन ये तो निर्मला सीतारमण ने तो साहब चिदंबरम साहब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे कमाल का रखा है निर्मला सीतारमण जी ने। अंडर वैल्यूड हैं, अंडर स्टेटेड हैं, अंडर रेटेड हैं, क्योंकि और उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा। कमाल की बात यह है कि अभी भी जो भी कुछ दिक्कत आती है तो ब्लेम फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर जा रहा है, लेकिन कोई उनको क्रेडिट नहीं दे रहा कि 23,000 का बाजार जो था मार्च में, और 8-10 महीने के अंदर अंदर वो डबल करके और 50,000 के ऊपर चला गया है। वो उन्हीं के टेन्योर में हो रहा है, ये इतिहास में लिखा जाएगा दीपक जी। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको मैं, चिदंबरम जी को बहुत इस टाइम पे ईर्ष्या का भाव हो रहा होगा जी कि मेरे जमाने में नहीं हुआ जो निर्मला जी ने कर दिखाया है। तो सेंसेक्स ऊपर गया, और सेंसेक्स ऊपर जाने का मतलब है कि शेयर के भाव ऊपर गए, यानी अगर आपने 500 रुपये का कोई शेयर खरीदा था तो 1,000 रुपये का हो गया, यानी आपने 1,00,000 रुपये लगाए थे तो 5,00,000 हो गए 6 महीने के अंदर। लाखों करोड़ों, अगर आप आज स्क्रीन पे अपने आंकड़े देखेंगे तो आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स ने, निवेशकों ने कमाए, उनकी जेब में गया। भले ही दुनिया के लिए कोविड हो, भले ही आपदा हो, लेकिन इस आपदा में अवसर ढूंढा हिंदुस्तान के निवेशकों ने जी। बिल्कुल ढूंढा है, और ये निवेशकों के अलावा तो मेरे ख्याल कोई बजट से खुशी नहीं है। तो लोग करोड़पति हो गए सब। हाँ, सिर्फ निवेशक ही खुश हैं, और उनकी बिल्कुल चांदी हो रखी है इस टाइम पे। और मुझे तो ये सुनने में आ रहा है कि देखिए क्या हो रहा है कि इतना रिटर्न है स्टॉक मार्केट में, अभी हम शेयरों में ना भी जाएं, हमने कई शेयर डिस्कस किए जो 3-4 गुना हो गए। मैं कहता हूँ उसको छोड़िए, अब ब्रॉड मार्केट इंडेक्स देखिए, 23,000 का BSE सेंसेक्स मार्च में जी हाँ, 9 महीने में डबल से ज़्यादा जी। तो कोई आदमी जिसके पास पैसा होगा वो काम धंधे में लगाएगा, फैक्ट्री में लगाएगा, या शेयर बाजार में लगाएगा? ये इस टाइम पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है जी कि पैसा कहाँ, और पैसा तो वहीं जाता है जहाँ रिटर्न आता है। लेकिन जिसने पैसा लगाया, हो सकता है कारखाने बंद हो गए हों, दुकानें बंद हो गई हों, फैक्ट्री बंद हुई हो, रोज़गार हाथ से निकल गया, हो सकता है। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि जिसने पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया वो करोड़पति हुआ, लखपति हुआ, जिसकी जितनी हैसियत वो दुगनी हो गई। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, और इसका जो प्रमाण है वो एकदम पारदर्शी है। आप सेंसेक्स का इंडेक्स देखिए, 50,000 के पार है, और यही हाल निफ्टी का है। बहरहाल, अब शुरुआत करते हैं आज के शो की। HDFC लिमिटेड जी हाँ, रोज़ हम HDFC बैंक की बात करते थे, लेकिन ये पैरेंट कंपनी है HDFC लिमिटेड जी। फाइनेंस हाउसिंग है जो शुरुआत में HDFC थी, और आदित्यपुरी साहब ने जिस तरह से HDFC लिमिटेड को धीरे धीरे एक HDFC बैंक खड़ा किया,
और आदित्य पुरी ने 2 दशक से ज़्यादा उसके मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, बड़े ज़बरदस्त बैंक अधिकारी थे सब, सिंगापुर से आए थे और उन्होंने HDFC बैंक को दुनिया के 10 सबसे वैल्यूएबल, सबसे कीमती बैंक में, उस लिस्ट में, उस फेहरिस्त में नाम जो है उनका दर्ज करा दिया उन्होंने HDFC बैंक का। तो ये ताकत HDFC बैंक की, और ये ताकत कहाँ से आई? HDFC लिमिटेड से। तो एक बार आज उसका हम शेयर का भाव देख लेते हैं। 2709 के आसपास HDFC लिमिटेड का भाव था, और अगर हम देखें कि ये जो शेयर है कहाँ से चढ़ना शुरू हुआ है, तो हमारी रिसर्च टीम का कहना है कि 24 सितंबर से ये जो शेयर है ये चढ़ता गया। 24 सितंबर को ये 1600 के आसपास था, आई थिंक टू बी प्रिसाइज 1636, 1636 रुपये। और उसके बाद से जब ये चढ़ना शुरू हुआ तो फिर इसने मतलब कहीं देखा ही नहीं, चढ़ता ही गया, जैसे पतंग कोई होती है और हवा के साथ ऊपर आसमान को छेद देती है, वो हाल रहा इस शेयर का HDFC लिमिटेड। तो ये चैम्पियन कंपनी है जी, और चैम्पियन शेयर है, और ये शेयर ऐसा है कि इसको इंडियंस कम खरीदते हैं और फॉरेनर्स ज़्यादा खरीदते हैं, मतलब उनका फेवरेट शेयर है जी, और आज से नहीं मतलब बीसों साल से सबसे ज़्यादा फेवरेट शेयर फॉरेनर्स का अगर है, टारगेट बताइए साहब, तो HDFC लिमिटेड है जी। तो देखिए इसका टारगेट जो है वो 3340 आ रहा है जफरीज के द्वारा, 3340 3340। हाँ, क्योंकि हाउसिंग डिमांड बढ़ रहा है, तो एक तरीके से देखिए HDFC लिमिटेड जो है ना वो इकोनॉमी का प्रॉक्सी है, और पैरेंट कंपनी है शायद इनकी HDFC बैंक की। नहीं, देखिए जो सारा DNA है वो तो HDFC लिमिटेड का है, दीपक पारेख का है जी। हाँ जी, आदित्य पुरी तो बाद में आए हैं, वो आए लाए गए, वो एम्प्लॉय रिटायर हो गए, रिटायर भी हो गए। तो ये और HDFC ने उनका इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मतलब चैंपियन कंपनी है। तो 3340 का भाव आ रहा है जफरीज के द्वारा। हाउसिंग बताते हैं, थोड़ा डेट वाली प्रॉब्लम है इसमें। किस में? इसमें जो AAA रेटेड कंपनी है, इससे ज़्यादा रेटिंग किसी की हो जाए तो जब दिक्कत हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो बहरहाल एक बार स्क्रीन पर आप देख लीजिए HDFC का नेट प्रॉफिट, शुद्ध देसी घी वाला मुनाफा कितना है इसका, ये देख लीजिए। सितंबर की तिमाही में 3392 करोड़ था, और दिसंबर 2020 में 3964, यानी बढ़ता ही जा रहा है। और मैं सिर्फ मेरी सिर्फ यही कहना है, टिप्पणी रहेगी कि अगर ये शेयर आपको 2500 रुपये के आसपास मिल जाए, 2600 रुपये के आसपास मिल जाए, तो आँख बंद कर, मैं कह रहा हूँ आँख बंद करके इसको खरीदिएगा। प्योर गोल्ड है, इससे बड़ी आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई परफॉर्मर कंपनी नहीं है। किसी से भी पूछ लीजिए HDFC के बारे में, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जो एक समय पे थे, वो वही हाल इस वक्त HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का। तो ज़्यादा बहस करना इस पर बेकार है, मिले तो खरीदिए, प्योर गोल्ड है। अब गोल्ड के बारे में कितनी तारीफ की जाए, तो HDFC की जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। आगे बढ़ते हैं, छोड़िए अब साहब HDFC को। अंबर एंटरप्राइजेस नाम नहीं सुना होगा आपने, हो सकता है, लेकिन घर में अंबर एंटरप्राइजेस का कोई ना कोई बनाई हुई मशीन आपके घर में लगी होगी। जी हाँ, AC बनाते हैं, और OEM ODM कंपनी है ये एयर कंडीशन के मामले में। अब आप कहेंगे साहब दीपक भाई रोज़ कुछ नया नया बोलते हो, CDM, PDM, अब आज ले आए OEM, ODM, क्यों हमारे दिमाग में जो है दही कर रहे हो? हाँ, तो मैं बता देता हूँ OEM का मतलब क्या हुआ। OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अब आप कहेंगे साहब ODM भी आपने बताया था कि ODM कंपनी भी है, तो वह है ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। अब OEM का मतलब क्या हुआ, OEM का मतलब हुआ कि जो सारा का सारा साजो सामान AC का खुद बनाते हैं, कहीं से लेके लगाते नहीं हैं साहब, कि कार्बोरेटर कहीं का, टायर कहीं के, स्टेयरिंग कहीं की, बल्ब कहीं का, तार कहीं की, गद्दी कहीं, नो, सारा सामान खुद। और ODM क्या हुआ कि डिज़ाइन भी बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा सामान जो है बना के किसी को दे दिया, उसने उसमें मोहर लगा दी। और बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो अंबर एंटरप्राइजेस से AC बनवाती हैं और अपनी मोहर लगा देती हैं, और ऐसी बहुत सी कंपनियां जिसके इश्तिहार आप रोज़ देखते हैं। तो हर बड़े ब्रांड के पीछे आपको अंबर एंटरप्राइज मेक इन इंडिया दिखेगा, गर्व से आप कहेंगे कि नहीं भाई
ये तो बहुत बड़ा परोपकार देश का कर रही है। पंजाब में 1994 में शुरू हुई थी, एक राजपुरा वहाँ पर जिला है, वहाँ पर ये कंपनी शुरू हुई और आज दसियों जगह इसकी फैक्ट्री है। बस ज़्यादा लेक्चर नहीं, अंबर एंटरप्राइजेस, ठोस कंपनी, सॉलिड मैनेजमेंट, बढ़िया भविष्य और फिर भाव भी वैसे ही है, समझ लीजिए 2,745 रुपए का एक शेयर और तेजी से बढ़ता चला गया। नवंबर में 2000 था, उससे पहले 1800, उससे पहले 1700, ये इसका हाल था। तो मतलब कैश काओ समझ लीजिए आप। आगे बताइए सर। जी बिल्कुल, इसका आप देखिए टारगेट आ रहा है 3250 रुपये जो क्रेडिट हुई दे रहे हैं उसको 3250। और इसमें ये है कि जो एसी और कंपोनेंट है उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और गर्मी में तो और साहब गर्मी है, ऊपर से बजट में आपने खुद ही आज एसी चलवा दिया यहाँ पर। बिल्कुल चलवाया और आप देखिए बजट में भी बहुत ज़्यादा स्टेप। शायद ये एसी भी उसी ने बनाया हो, हमें लग रहा है अंबर ने, ब्लू स्टार कोई बना के देती है। ये ब्लू स्टार का एसी है और ये एसी हो सकता है, क्योंकि अगर आप कैटलॉग प्रोडक्ट में जाएंगे तो मैं देख रहा था ब्लू स्टार, एलजी तक तमाम नाम थे, हो सकता है, मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूँ जी। तो देखिए बजट में बहुत ज़्यादा पुश है आत्मनिर्भर भारत पे जी, और इन्होंने सारे ड्यूटी बढ़ा दी हैं, जितने एसी थे जो बाहर से बन के आते हैं, जो कंपोनेंट्स हैं एसी के जी, सब पे ड्यूटी बढ़ गए हैं। उसका मतलब यही है सीधा सीधा कि जो भारत में बना रहा है उसको फ़ायदा है और आत्मनिर्भर भारत को इनको सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत का सबसे ज़्यादा लाभ पंडित जी कह रहे हैं अंबर इंटरप्राइजेस को मिल रहा है, और हमें ऐसी कंपनियों के साथ इसलिए खड़ा होना चाहिए क्योंकि ये चाइना को एक बहुत माकूल जवाब है कि देखिए सिर्फ टेक्नोलॉजी का भ्रम ना पालिए, हम अब एसी बनाने लगे हैं, कंप्रेसर बनाने लगे हैं, हम हर तरह का कंपोनेंट एसी का बनाने लगे हैं। और अंबर ने उस सपने को सच करके दिखाया है और आज हालत ये है कि जापान की कई कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ अंबर एंटरप्राइज से साजो सामान खरीद के अपनी मोहर लगा के बड़े शोरूम में उस एसी को रख के आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो भी एसी लग रहा है, खुशी की बात यह है कि अंबर एंटरप्राइजेस का ही उसमें साजो सामान है और चाइना से जब से टसल हुई है तो अंबर को और फ़ायदा मिल रहा है। तो अंबर का फ़ायदा मतलब शेयर का फ़ायदा और शेयर का फ़ायदा मतलब आपको मुनाफा। ठीक, लार्सन एंड टोब्रो, मैंने पहले कहा कि जैसे एक परिवार की पार्टी होती है और एक कार्डर बेस पार्टी होती है, परिवार की पार्टी का कोई भरोसा नहीं है लेकिन कार्डर बेस पार्टी जो होती है वो चलती जाती है क्योंकि वहाँ पर कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है। तो हिंदुस्तान में दो कंपनियाँ हैं, ITC और लार्सन एंड टोब्रो, जिनको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, एक बहुत ही सक्सेसफुल उदाहरण और दुनिया में इनकी धमाके दोनों कंपनियों की। लार्सन एंड टोब्रो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन हैं और दिलीप कुमार, जो भी समझ लीजिए, और इसका जो आज का भाव था 1524 के आसपास था, एग्जैक्टली भाव देख लीजिए क्योंकि 3:15 बजे कहाँ पर बंद हुआ भाव। और 24 सितंबर को अगर हम देखें कि कहाँ से शेयर उठना शुरू हुआ है, जैसे ही मार्केट खुला, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो लार्सन एंड टोब्रो की पौ 12 हो गई और 850 से उठकर ये 1500, दुगुना हो गया ये कुछ ही चंद महीनों में। लार्सन एंड टोब्रो की जैसी कंपनियों के बारे में बहुत सोचिएगा नहीं सोचिएगा, और मैं कह रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मुतमइन रहिए। तो लार्सन टोब्रो के बारे में बहुत सोचना नहीं है जी। टारगेट बताइए अब जी, इसका मॉर्गन स्टैनली टारगेट दे रहे हैं 1938, मतलब 400 रुपये इसमें भी बाकी है, 1938 का टारगेट है जी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है कि पूरा बजट वॉज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर जी, मतलब बहुत मेजर पोर्शन बजट का इंफ्रास्ट्रक्चर में था। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जी, का मतलब जो गवर्नमेंट खर्चा करती है जी, प्राइवेट सेक्टर खर्चा करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो उसमें LNT का पार्टिसिपेशन और उनकी शुमारी उसमें बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट इन्हीं के पास हैं, वो इन्हीं के पास है। और एक चीज़ और देखने में आएगी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि LNT का शेयर प्राइस जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग होता है, कितना खर्चा होता है, उसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, आज से नहीं कई सालों से जी। जैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंडिंग बढ़ना शुरू होता है वैसे आप देखेंगे शेयर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब ये मौसम आया है LNT का, क्योंकि धीमे धीमे चल रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जो है गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है, मतलब दुनिया जहान की स्कीम्स वो लाए हैं, कॉरपोरेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेगा, तो
आप देखिएगा कि जैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ेगा, L&T का शेयर प्राइस उसके साथ लिंक होता है। तो L&T बहुत ही शानदार कंपनी है, और मैंने कहा कि एक ऐसी कंपनी जिसे आप प्रोफेशनल कह सकते हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर है, किसी के परिवार किसी के घर की बपौती नहीं है। L&T जो है लार्सन एंड टोब्रो निवेशकों के पैसे से खड़ी हुई कंपनी है और साख है इसकी। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं कुछ नए शेयर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, अभिनंदन। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और कुछ आपने देखा होगा YouTube पे, हर आदमी आता है सबसे पहले कहता है, वो गाना चाहे गाने वाला हो, गाना बजाने वाला हो, कोई भाषण देने वाला हो, वो सबसे पहले कहेगा कि भाई ये सब्सक्राइब करो, ये बेल दबाओ। हम लोग तो साहब ये भी नहीं कहते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गए सब, कहते ही नहीं हैं और ना कहेंगे। आप दबाइए घंटी ना दबाइए, लेकिन हमारा एक ही काम है कि हमारी कोशिश रहेगी ईमानदारी के साथ कि दो पैसे आप कमाएं। और कोविड में जो भी लॉकडाउन में जो भी दुश्वारियां हैं वो आपकी कम हो। और थोड़ा सा हम ये भी सलाह आपको देंगे कि कम से कम एक दो बार यूट्यूब में जाके जो स्टॉक मार्केट के जो बिगनर्स के कोर्स हैं वो ज़रूर देख लीजिए। बहुत से कोर्सेज फ्री में आपको मिल जाएंगे, आप सिर्फ सर्च करिए और आप एक बार वो दो तीन घंटा अगर आप YouTube पे बैठ के उन प्रोग्राम्स को हिंदी में देख लेंगे। तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो आपको ये निशुल्क सेवा दे रहे हैं कि कैसे कितने बजे स्टॉक मार्केट खुलता है, कैसे शेयर खरीदा जा सकता है, कैसे डीमैट अकाउंट होता है, ये सारी चीज़ें चुननी है। अगर आप देखेंगे तो फिर आपको हमारे प्रोग्राम में मज़ा आएगा और एक ज़रिया खुलेगा ज़िंदगी को बेहतर करने का। और हाँ, समझदारी से काम तो लेना ही है। तो चलते हैं साहब HDFC बैंक की तरफ। और HDFC बैंक ये वो शेयर है जिसने धूम मचा रखी है। ऐसा कोई बैंक ही नहीं है जहाँ घाटों में बैंक जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि साहब हम कुछ सरकारी बैंक को प्राइवेट सेक्टर कर देंगे। तो ये सारा इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है? क्योंकि सरकार को, मोदी जी को भी लगता है कि भैया ये HDFC बैंक, यहाँ इतनी बड़ी सरकार, IAS IPS, दुनिया भर की ब्यूरोक्रेसी, संविधान कानून सब कुछ, और ये सब HDFC बैंक ने तो कमाल कर दिया है। हिंदुस्तान छोड़िए, एशिया छोड़िए, दुनिया के सबसे अच्छे बैंकों में है HDFC बैंक। तो उसके शेयर की हम बात कर रहे हैं। 1578 के आसपास इसका आज भाव था। करेक्ट भाव आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। बाकी जो है टारगेट आप बता दीजिए जी। इसका टारगेट आ रहा है 1690 रुपये, जो नमूना दे रहे हैं उसको। और इसमें एक चीज़ आ रही है सामने, पॉसिबिलिटी अब ये है, देखिए RBI ने इनको मना किया था कि आप अपना डिजिटल जो प्रोडक्ट है उस पर रोक लगाइए, नई चीज़ें नहीं करनी है। दूसरा ये था कि नए क्रेडिट कार्ड के कस्टमर, जी हाँ जी, उसको नहीं उनको लेना। हाँ, वो एक पहले उनका कि आप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को थोड़ा फिर और बेहतर करिए। हाँ, वो हमने डिस्कस किया था पहले शो में। तो ये अब बात हो रही है कि RBI ने अभी एक ऑडिट किया है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी लग रहा है जो नमूना इंडिकेट कर रहे हैं कि वो जो एम्बार्गो था या वो जो रिस्ट्रिक्शन था या बैन था उनके ऊपर, वो अब उठने जा रहा है। तो ये एक इसके लिए ट्रिगर बन सकता है, क्योंकि अभी तक इनकी काफ़ी जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जी, वो नए प्रोडक्ट नहीं आ रहे, और आजकल तो बैंकों का सारा काम ही डिजिटल का हो रहा है। तो यानी फिर से बिक्री शुरू होगी क्रेडिट कार्ड्स की, तो फिर ये और अपने ऑटोमेटिकली जाएगा। HDFC की क्या हैसियत है? तो हैसियत तो भाई धंधे में, किसी भी कारोबार में मुनाफे से पता लगती है कि आप कितना कमा रहे हैं, घर में कितना पैसा आ रहा है। आप भले ही बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन बिजनेस का एक ही मंत्र है प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कितना है। तो अब मैं ज़रा प्रॉफिट की बात कर लेता हूँ। ज़रा देख लीजिए कि ICICI बैंक कहाँ खड़ा है, और एक्सिस बैंक कहाँ खड़ा है, कोटक महिंद्रा कहाँ खड़ा है, और HDFC। तो हमारी बात का कहीं ना कहीं आप उसको तस्दीक कर सकते हैं कि दीपक भाई झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो तस्दीक करिए, स्क्रीन देखिए, और बैंक का जो इंटरेस्ट अर्न है, कितना इन्होंने ब्याज में पैसा कमाया, वो आपके सामने है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी एक शेयर में कितना इनको रिटर्न मिल रहा है, वो भी आपको इसमें आंकड़ा मिल रहा है प्रतिशत में। तो जहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी है वो ROE लिखा हुआ है, और जो पैसा मुनाफा रहा है उसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट अर्न। तो हम शुरू करते हैं। HDFC बैंक इंटरेस्ट अर्न है 1,22,189, मतलब गिनना मुश्किल हो रहा है सर, गिनना मुश्किल हो रहा है। आप यूँ कह लीजिए कि 1,25,00,000 करोड़ से ज़्यादा
इसका मुनाफा है, इंटरेस्ट अर्नड है। ICICI बैंक 84,000 के आसपास, कोटक महिंद्रा 33,000 के आसपास, एक्सिस बैंक 63,000 के आसपास, 1.25 लाख को टच कर रहा है। तो ये है साहब, 1.25 लाख से एक लड़ा बिल्कुल, ये तो मतलब बिल्कुल हाथी है सर, दोनों तो है। कुछ टिप्पणी कर दीजिए HDFC बैंक पे। नहीं, HDFC बैंक सवारी करनी चाहिए शेयर की? देखिए वो मैंने जो जितना रिकमेंडेशन में था, नहीं कितना धांसू, अच्छा यही बता दीजिए। नहीं, चैंपियन कंपनी है, चैंपियन शेयर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कहने। तो साहब संजीव भाई ने कह दिया चैंपियन कंपनी है, तो इसीलिए हम अब इस पर जो है जिरह बंद करते हैं HDFC बैंक पे। टारगेट आपको पता लग गया है, 1690 रुपये है टारगेट इसका, यानी अगर 1500 के में खरीदते हैं तो 1700 में बेच सकते हैं, फिर 200 रुपये का हर शेयर पे आपको प्रॉफिट होगा। त्रिवेणी टर्बाइंस की बात कर लेते हैं, समय का मैं कुछ और भी चीज़ें बतानी है आपको। त्रिवेणी टर्बाइंस जाहिर है टर्बाइंस से जुड़ी कंपनी है, 90 रुपये के आसपास, 89 एग्जैक्टली आज इसका भाव था, और ये बढ़ रहा है, और नवंबर से लगातार, सितंबर से इसकी जो रवानी है ऊपर की तरफ ये चढ़ रहा है शेयर, और जब चढ़ता है ऊपर की तरफ तो संजीव जी उसको कैच करके आपको बताते हैं। बताइए सर जी, तो टारगेट इसमें 105 रुपये का टारगेट दे रहे हैं शेर खान। इनके ऑर्डर्स हेल्दी हैं, बैलेंस शीट ठीक है, हालांकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं इनके, लेकिन आउटलुक इनको लेके पॉजिटिव है, तो 105 रुपये का इसमें भाव आ रहा है जो शेर खान। और मुझे लगता है कि पंडित जी इसलिए शेयर का जिक्र कर रहे थे क्योंकि कई शेयर आज बहुत महंगे लिए, 1500 के, 2500 के, 2500 के, तो उनका कि भाई ऐसा भाई कुछ शेयर का डिस्कस कर लें जिसका 100 रुपये से कम जो खरीदा जा सकता हो। वो तो हमारे ऊपर देखिए ऑडियंस का और हमारे स्टार एंकर का एक वो रहता है डिमांड, इसलिए। अब बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई बाय की, अब सेल की बात कर लेते हैं कि सेल क्या किया जाए। खैर बाजार तो चढ़ा हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग चली रही है, लोग बेचेंगे ही, लेकिन एक शेयर खास तौर पे आप बेच सकते हैं, टाटा कंज्यूमर। टाटा चाय बड़ी कंपनी है, दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी जहाँ तक चाय की बात है, प्रोडक्शन की बात है, टाटा कंज्यूमर्स। और हमने पहले भी जिक्र किया था, आप चाहें तो हमारे INS TV के शेयर बाज़ार में आप जाइएगा, YouTube पे INS TV, फिर शेयर बाज़ार, और शेयर बाज़ार में आप देखेंगे कि कहाँ पर हमने टाटा कंज्यूमर का शो किया है, तो उसमें आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएगा। बहरहाल 581.70 रुपये का आस्था भाव, और कुछ दिन पहले ये 624 रुपये भी पहुँच चुका है, तो ये अपनी पीक को हिट कर चुका है, चोटी पे पहुंच चुका है ये शेयर, इसीलिए शायद ये कह रहे होंगे कि इसको बेचो। जी जी देखिए, इसमें ये है कि मॉर्गन स्टैनली का ये व्यू है कि ये आने वाले हफ्ते महीनों में 494 तक नीचे जा सकता है जी, क्योंकि उनका ये लॉजिक बन रहा है कि ये प्राइस जो है मतलब ओवरशूट कर चुका है, ओवर वैल्यूड है, और लेकिन इनके जो रिजल्ट्स हैं और जो मार्जिन्स हैं वो इतने अच्छे नहीं आ रहे कि वो शेयर के दाम को सपोर्ट करें, और दूसरा ये काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक्विजिशन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये है कि वो चाहते हैं कि उसके रिजल्ट्स जो हैं, वो जो प्लानिंग अपनी कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें, उसके रिजल्ट्स एक बार बैलेंस शीट में सामने आए। जो आपने कहा कि मुनाफा कितना है, बाकी सब तो ठीक है, तो मॉर्गन स्टैनली का ये व्यू है कि वो सब एक्सिक्यूशन हो जाए, रिजल्ट सामने आ जाए, तो तब तक वो उसको एक 494 का टारगेट दे रहे हैं ऑन द डाउन साइड। तो अगर आपके पास टाटा कंज्यूमर्स का शेयर है तो राय यही है एक्सपर्ट्स की, और पंडित जी भी उस राय पर मोहर लगा रहे हैं कि इस शेयर को आप बेच सकते हैं, क्योंकि अभी कंपनी कुछ और एक्विजिशंस कर रही है, तो जाहिर तौर पे कंपनी के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं, और जो प्रॉफिट आना चाहिए था और आपके लिए आना चाहिए था वो फिलहाल वहाँ पर एक थोड़ा सा गेट लगा हुआ है। तो और वैसे भी मैंने कहा कि 12 जनवरी 11 जनवरी को ये 600 के ऊपर चल रहा था शेयर, अब नीचे आ रहा है, तो और नीचे ना चला जाए तो प्रॉफिट बुक आप अगर कराना चाहें या बचना चाहें कि लॉस ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए आप इसको बेच सकते हैं, भले ही बाज़ार चढ़ा हुआ लेकिन इसको आप बेचिए, निकालिए, क्योंकि कहीं 490 तक चला गया, 494 तक चला गया, तो फिर आप कहेंगे कि साहब हमारा नुकसान हो गया है। हम नुकसान होने नहीं देंगे, यही हमारा ध्येय है, पैसे कमाए ना कमाए। वॉरेन बफेट भी कहते हैं आप कम से कम जो आपने मूल पैसा लगा रखा है, प्रिंसिपल है, उसको बचाइए सबसे पहले, कमाने की बात तो देखी जाएगी, जब राकेश झुनझुनवाला बनना होगा तो बना जाएगा, लेकिन सबसे पहला फोकस है कि अगर मैंने 1000 रुपये लगाया तो पहले मेरा 1000 रुपये इंटैक्ट रहे, फिर उसके ऊपर मुझे जितना मिल जाए वो ऊपर वाले लक्ष्मी की इच्छा है। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए शेयर्स के साथ।
संजीव भाई आए, समय दिया और आपने हमारा प्रोग्राम देखा। कुछ कमेंट्स हों तो आप हमारे मेल पर लिख सकते हैं, हमारी टीम आपको ज़रूर जवाब देगी। तो बस इतना ही, नमस्कार।